पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब 5 फरवरी 2019 को लंदन आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के इजहार यकजहती के लिए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा साहब ने कोई 7-8 हफ़्ते पहले ये ऐलान किया था कि हम लंदन में आकर जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ इजहार यकजहती करेंगे। तो इसके ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस ने यह फ़ैसला किया है कि जब भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा लंदन आएंगे तो हम उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान ने जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ है और जो इसके ज़ेर कब्ज़ा इलाके हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर लोगों को हकूक हासिल नहीं है। आज़ाद कश्मीर में कोई आज़ादी हासिल नहीं है, वहाँ पर जो है वो जम्मू कश्मीर की किताबें पढ़ने पर पाबंदी है और जम्मू कश्मीर की किताबों को ज़ब्त किया जा रहा है। इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वहाँ पर जो है शेड्यूल 4 नाफज है, स्टेट सब्जेक्ट महतल है और वहाँ पर जो भी अपने हकूक़ की बात करता है उन पर बगावत और गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि ये हमारे साथ पाकिस्तान की तरफ से कोई इजारी यकजहती नहीं है, बल्कि ये हमारे साथ फ्राड है जो हर साल 5 फरवरी को मनाया जाता है। तो हमने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज का फैसला किया है और पाकिस्तान को ये मैसेज देना है कि कोई भी काबज़ मुल्क जो है, जो काबज़ मुल्क होता है वो इजारे यकजहती उन महकूम लोगों से नहीं कर सकता है, लिहाजा पाकिस्तान को जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर पर अपना कब्ज़ा ख़त्म करके रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी को तस्लीम करना होगा। तो इसके ख़िलाफ़ हमारी जदोजहद जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान जो है रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं निकल जाता।